हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, टेलीविजन इंडस्ट्री के एक और बहुत सीनियर एक्टर ने अपने दुख को बयां करा है। कहा है कि अगर काम नहीं करूंगा तो बीमारी से छोड़िए जनाब, गरीबी से मर जाऊंगा। क्या बोला है और किस एक्टर ने बोला है ये, चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। दोस्तों कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, और यही बात टीवी प्रोड्यूसर्स ने भी सोची। और तभी 15 अप्रैल को जब शूटिंग बंद हो गई मुंबई में, तो महाराष्ट्र से बाहर जाकर टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू कर दी। लेकिन अब एक बड़ा एक्टर परेशान हो चुका है क्योंकि शूटिंग्स बंद हो चुकी है। जी हाँ, भागले की दुनिया फेम एक्टर अंजन श्रीवास्तव, जो ना जाने कितने सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, वो अब खुद बोल रहे हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी की है एक्टिंग, और अगर अब नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। हम जब तक जिंदा हैं एक्टिंग करना चाहते हैं, अगर हम एक्टिंग नहीं कर पाए तो बिना कोविड के भी मर जाएंगे। कुछ एक्टर्स पैसों के लिए एक्टिंग करते हैं, जबकि कुछ क्राफ्ट और प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए परफॉर्म करते हैं। मैं वापस सेट पर लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस वक्त सरकार हमें अनुमति देगी या लॉकडाउन खत्म होगा, मैं काम करना चाहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर्स सभी प्रिकॉशंस ले रहे थे और यूनिट को बायो बबल में रखते थे। जब वो लौटेंगे तो इसे जारी रखेंगे। साथ ही साथ सीनियर एक्टर्स को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर भी श्रीवास्तव ने कहा कि कई सारे यंग एक्टर्स से अलग नहीं है वो, क्योंकि कई सारे यंग एक्टर्स को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। वेल दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये सीनियर एक्टर्स की रोजी रोटी है उनकी एक्टिंग, उनका काम। और जब रोजी रोटी ही बंद है तो भला ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि हर एक्टर को उनकी सैलरी महीने के हिसाब से नहीं, प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है। तो सोचिए ऐसे में ज़िंदगी चलाना इनके लिए कितना कठिन है। क्या है आपका कहना, कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।